राजस्थान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसियों की सीजर की कार्रवाई हुई है। 1 मार्च से अब तक 312 करोड़ की सीजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अवैध शराब, मादक पदार्थ, फ्री बीज आइटम्स, नकदी जब्त किए हैं। लोकसभा चुनाव में कैश शराब आदि बांटने वालों पर कड़ी नजर रखी गई। स्टेट पुलिस ने 229 करोड़ की सीजर की कार्रवाई को अंजाम दिया है। इनकम टैक्स ने 34 करोड़, स्टेट जीएसटी ने 21 करोड़, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 2 करोड़ 15 लाख, सीजीएसटी ने 1 करोड़ 15 लाख, डीआरआई ने 3 करोड़ 44 लाख, एनसीबी ने 8 करोड़ 87 लाख और अन्य एजेंसियों ने 50 लाख की सीजर की कार्रवाई को अंजाम दिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने ये तमाम जानकारी दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, अलग अलग इन्फोर्समेंट एजेंसियों की सीजर की कार्रवाई हुई है और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दीपक गोयल जुड़ चुके, सीधा उनका रुख करेंगे। दीपक, लोकसभा चुनाव है और ऐसे में सीज की कार्रवाई का अंजाम दिया गया, अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसियों की सीजर की कार्रवाई में करोड़ों की जब्ती की गई है। ऐसे में फ्रीबीज आइटम ले लीजिए, नगद ले लीजिए, शराब, कैश, नजर भी रखी जा रही है पुलिस की तरफ से और कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है, क्या तमाम जानकारी? देखिए, लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता है मार्च के मिड में लग गई थी और कह सकते हैं कि जो अलग अलग इन्फोर्समेंट जो एजेंसियां हैं जिसमें स्टेट पुलिस है, इनकम टैक्स है, स्टेट जीएसटी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, सीजीएसटी है, डीआरआई है, ये जो डिपार्टमेंट है उनकी ओर से ये कार्रवाई की गई है, जिसमें देखिए लोकसभा चुनाव में कैश शराब आदि बांटने वालों पर नजर रखी जा रही है। जो बॉर्डर वाला इलाके हैं वहां पर सख्ती यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो जो अलग अलग जो इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं इन्होंने 1 मार्च से अब तक 312 करोड़ रुपए की सीजर की कार्रवाई की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बैक टू दौर है, इन्फोर्समेंट एजेंसियों से किया जाता है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, किसी भी मतदाता को लुभाने की कोशिश नहीं की जा सके। मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई फ्री बीज आइटम्स है, शराब है, कैश है, मादक पदार्थ है, सोना चांदी जो कह सकते हैं कि गोल्ड आइटम या चांदी के आइटम है, ये तमाम चीजें मतदाता तक नहीं पहुंचे लुभाने के लिए, इसको फ्लैग करने के लिए इन्फोर्समेंट एजेंसियों की जो टीम है उनको यहाँ पर उनका गठन कर रखा है। ये इन्फोर्समेंट एजेंसियां प्रतिदिन कार्रवाई को सूचित करती है कहाँ कहाँ पर कार्रवाई है और आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव के अंदर भी किस तरह का आंकड़ा राजस्थान के अंदर इलेक्शन में गया था और कितनी बड़ी कार्रवाइयां भी देखने को मिली थी। यदि फ्री बीज आइटम, शराब, मादक पदार्थ या सोने चांदी की वस्तुएं, फ्री बीज आइटम, नकदी यदि मतदाताओं तक पहुंचता तो चुनाव में इफेक्ट होता, लेकिन निर्वाचन चुनाव आयोग, निर्वाचन विभाग और फिर जिला निर्वाचन और इसके अलावा जो एनफोर्समेंट एजेंसियां हैं उनकी निगरानी पर पूरा ये चुनाव हुआ, निगरानी इस तरह रखी गई, पैनी नजर रखी गई, खास तौर पर जो बॉर्डर वाला इलाके हैं जहां से शराब की तस्करी या नकदी की तस्करी या दूसरे राज्यों से आने की सूचना मिलती है। कल भी आपने देखा होगा चीफ सेक्रेटरी सुधांश पथ ने अलग अलग इन्फोर्समेंट एजेंसी बॉर्डर वाले इलाकों के जो अधिकारी हैं उनके साथ में एक बैठक भी की थी और बैठक में जो जानकारी दी गई उसमें जो निकल कर आया उसमें भी कह सकते हैं कि हम कि सभी को ये ताकीद किया गया है कि फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन है वो यहाँ पर होने चाहिए और जो चीफ सेक्रेटरी ने अधिकारियों के साथ में जो बैठक की थी उसमें साफ तौर पर कहा था कि जो बॉर्डर वाले इलाके हैं उनका निगरानी तंत्र है उसको यहाँ पर बढ़ाया जाए। देखिए सबसे ज्यादा बड़ी बात यह कि 5 पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, उनके मुख्य सचिव, उनके जो डीजीपी हैं और उनके साथ में प्रमुख सचिव जो होम है उनके साथ में उन्होंने ये बैठक की थी, कानून व्यवस्था सहित अन्य तैयारियों को लेकर उसमें चर्चा की थी और जिस तरीके से उस बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने जो वीसी के माध्यम से कहा था कि निर्वाचन के दौरान धन बल, अवैध शराब, मादक पदार्थों को रोकने के लिए प्रभावी रोडमैप यानी कि कार्य योजना बनाकर कार्य करने की जरूरत है, बॉर्डर एरिया जो चेक पॉइंट है उसमें जांच करने की जरूरत है, सभी एजेंसियों को कोऑर्डिनेशन से काम करने की जरूरत है और जो चुनाव आयोग के डायरेक्शंस हैं उनकी पालना भी यहाँ पर की जाए। देखिए इसके लिए पुलिस और आबकारी विभाग की राजस्थान में करीब 223 चेक पॉइंट और पड़ोसी राज्यों में 174 चेक पॉइंट पे कड़ी निगरानी यहाँ पर की जा रही है। जरूरी मामलों में सीआरपीसी, एनडीपीसी, एनएसए से राजपासा आदि मामले में जो कानूनी कार्रवाई है वो भी की जा रही है। चुनाव की घोषणा होने के बाद, चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद में
असलाह की जब्ती का कार्य भी किया जा रहा है और आवश्यकता पड़ने पर पड़ोसी राज्यों से होमगार्ड की उपलब्धता मांग के अनुसार सुनिश्चित करने के लिए कोऑर्डिनेशन भी किया जा रहा है। तो इस तरीके से पूरी तरीके से इस निर्वाचन में मतदाताओं को प्रलोभन देने या किसी भी अन्य प्रकार से प्रभावित करने की आशंका को समाप्त करने के लिए अवैध नकदी, अवैध शराब, मादक पदार्थ, सोना चांदी सहित जो बहुमूल्य धातु उसकी जो फ्री बीज अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए यहाँ पर रिकॉर्ड जब्ती है वो की जा रही है। और आपने ये देखा होगा कि अभी तक का जो आंकड़ा है 300 करोड़ पार कर चुका है। ये राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर दो चरणों के अंदर इलेक्शन होना है, उससे पहले ही निगरानी तंत्र की ये कार्रवाई है। जी ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए 1 मार्च तक से 312 करोड़ की सीज की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और लोकसभा चुनाव ऐसे में लगातार अलग अलग जगह से ये कार्रवाई की जा रही है।